आइए दोस्तों जानते हैं कन्या राशि के बारे में। मेरे प्यारे मित्रों, कन्या राशि मार्च 2019 में कैसे रहेगी उसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं कुछ एक इनके बारे में जानकारी कि आपके लिए लकी नंबर, लकी कलर, लकी डे, लकी स्टोन इत्यादि किस प्रकार से आपके लिए होते हैं। तो प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी के लिए प्यार भरा जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त मनीष, आपका बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से स्वागत है। तो जानिए आपका लकी नंबर। लकी नंबर आपके लिए 5, 14, 23 आपके लिए लकी नंबर रहते हैं। लकी कलर दोस्तों आपके लिए हरा है। लकी डे बुधवार, रविवार और शुक्रवार आपके लिए लकी डे हैं। दोस्तों लकी स्टोन आपके लिए पन्ना है तथा आपके मित्रता जिनसे निभेगी वो राशियाँ हैं मिथुन, सिंह, तुला और कन्या। स्वयं के साथ भी आपका व्यवहार अच्छा बना रहता है। कन्या लोगों की सकारात्मक सोच होती है, रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी बार बार कोई ना कोई नई खोज में जुटे रहते हैं और अपनी पुरानी खोज को आगे की ओर ले जाते हैं। मित्रों आपके देवता हैं जिनकी पूजा आपको करनी चाहिए वो हैं गणपति जी, सरस्वती माँ और माँ दुर्गा आपके लिए उत्तम देवताओं में से एक देवता हैं। आप इनमें से किसी भी एक देवता या देवी को अपना बना सकते हैं। कन्या राशि की शुभ दिशा दोस्तों दक्षिण दिशा होती है, तो आपको दिशा का ध्यान रखना चाहिए और आपका दिशा दक्षिण रहने वाली है। किसी भी को शुभ कार्य या करने के लिए आपको दक्षिण दिशा का चुनाव करना चाहिए। मित्रों अब बात करेंगे आपके स्वभाव की। तो कन्या राशि के जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत तेज होती है, टाइम मैनेजमेंट में भी परफेक्ट होते हैं। ये परिवार के बेहद लगाव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इनकी राशि महिलाओं घर के कार्यों में निपुण होती हैं। जिन महिलाओं की राशि कन्या राशि होती है वे महिलाएं घर के कार्यों में निपुण होती हैं। अपने भविष्य को लेकर काफ़ी सतर्क रहते हैं। मेहनती होने के कारण प्रत्येक कार्य को खुद करना चाहते हैं। ये अपनी कार्यकुशलता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। प्यारे मित्रों आपकी कार्यकुशलता के कारण हर जगह आपको वाहवाही बिटोरने को मिलती है। ये दूसरों के सामने संतुलन व्यवहार करने का बहुत अच्छा तरीका भी जानते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना भी डटकर करते हैं। कन्या राशि के जातक तेज दिमाग वाले होने के कारण लाइफ में वे सब कुछ पा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा बताया कि आपका व्यवहार, आपका आचरण किस प्रकार से रहने वाला है वो मैंने आपको पूरी जानकारी दी। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आपका लकी कलर, लकी स्टोन आपके क्या क्या हैं उसके बारे में मैंने आपको पूरी विस्तार से जानकारी दी है। मेरे प्यारे मित्रों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस महीने मार्च में 2019 में आपके राशि के साथ कैसा क्या रहने वाला है। तो जानते हैं आइए अब इस वीडियो में। दोस्तों 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में आपके लिए दोस्तों शनि की दृष्टि एवं चतुर्थ चंद्रमा होने के कारण आय में गिरावट आने की संभावना दिखाई दे रही है। शनि के ढैया का असर आपका पूर्ण बना हुआ रहेगा। 4 मार्च से आय में सुधार होने की उम्मीद है। कार्यस्थल पर विवाद थमेगा एवं सही ढंग से काम होने लगेंगे। विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। मेरे प्यारे मित्रों 11 मार्च से 20 मार्च के बीच में दोस्तों दोपहर से नवम चंद्रमा होंगे। समय सब प्रकार से अच्छा रहने वाला है। जिम्मेदारी के काम आपको मिलेंगे एवं सोच के अनुसार काम बनते हुए जाएंगे। यात्राएं सुखद रहेंगी एवं संतान से भी सुख प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों आपके लिए 11 मार्च से 20 मार्च के लिए आपका दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों आपको इस समय का पूरा सदुपयोग कर लेना चाहिए। जहां तक की बात करें 18 मार्च की, तो दोस्तों थोड़ी सी पड़ोसियों से विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। ध्यान भटक सकता है। विद्यार्थी एवं महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। प्यारे मित्रों आपके लिए 19 मार्च और 18 मार्च थोड़ी सी परेशानी देंगे। इसी तरीके से दोस्तों बात करते हैं अब अगले चरण की। तो 21 मार्च से 31 मार्च तक के बीच में चंद्रमा का गोचर एवं सूर्य शनि की दृष्टि आपके ग्रह गोचर पर रहेगी।
तो कार्य में विघ्न आ सकते हैं। 23 एवं 24 को समस्याएं बढ़ जाएंगी दोस्तों। इसके बाद से आपकी आय अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है एवं न्यायालय में अगर कोई आपका मामला चल रहा है तो उसमें सफलता होती हुई दिखाई दे रही है। भाई से प्रेम में कमी आ सकती है। भाग्य का सहयोग आपके प्रति बना रहने वाला है। तो ये बात हो गई दोस्तों आपके डेट वाइज के बारे में। अब हम बात करेंगे विस्तार से। तो मित्रों नौकरी के लिए बात कर लेते हैं। नौकरी में आपको इस महीने थोड़ा तनाव का सामना करना पड़ सकता है। परिस्थितियां प्रतिकूल महसूस होंगी। काम का पूरा परिणाम मिलने में संदेह रहेगा। लाभ के मौके भी मिल सकते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और उस मौके का पूर्णतः फायदा उठाना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों व्यापार की। तो व्यापार में कोई मामला अगर कोर्ट में है तो इस महीने आपको राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए इस तरीके से देखें तो महीना ठीक रहने वाला है। किसी भी नई कंपनी या संस्था में व्यापक सौदा करते समय सावधानी अवश्य बरतें, क्योंकि समय आपके ढैया का चल रहा है, शनि की ढैया का चल रहा है, इसलिए आपको मुनाफा कम नुकसान ज़्यादा होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे दोस्तों परिवार की। तो माँ की कृपा से इस महीने आपको संतान सुख प्राप्त होने की पूरी योजना दिखाई दे रही है। यात्राओं की योजना आप बहुत सुखदायक और आनंदपूर्ण रहने के संकेत हैं। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिल सकता है, इसलिए पारिवारिक रूप से माता रानी की कृपा से आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है मेरी माँ का। अब दोस्तों बात करेंगे सेहत की। तो सेहत के लिए समय ठीक ठाक कहा जा सकता है। किसी तरह की कोई बीमारी या इन्फेक्शन हो भी सकता है, इसलिए पुराने रोगों को आपने ध्यान से रखना है और उनका सेहत समय पर इलाज कराते रहना है। दोस्तों यहाँ राहत मिलने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, इसलिए इतनी घबराने की भी कोई बात नहीं है। अब बात करेंगे दाम्पत्य जीवन की। तो माता रानी की कृपा से जीवन साथी के से सब प्रकार से सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का मौका भी आपको मिलेगा। गृहस्थी सुखमय और आनंददायक महसूस करेंगे आप दाम्पत्य जीवन में। तो दाम्पत्य जीवन आपके लिए सुखमय और सुखद रहने वाला है, ऐसा माता रानी की कृपा से संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब बात करेंगे संपत्ति की। तो देखते हैं माता रानी क्या बताती हैं। तो संपत्ति से जुड़े किसी भी पुराने विवाद में समझौता या निपटारा हो सकता है। आपके प्रयास से इस मामले में कोई लाभ मिलने के संकेत सितारों से मिल रहे हैं, इसलिए माता रानी ऐसा कह रही हैं कि अपने प्रयासों में गति लाने का आपके लिए समय है, जिससे आपको संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सके। मित्रों अब बात करेंगे कुछ उपाय की। तो माता रानी आपको कुछ उपाय सुझा रही हैं, उनको ध्यान से सुनिए। किसी गणेश मंदिर में सिंदूर का अर्पण करिए, आपके लिए लाभकारी होगी। हनुमान चालीसे का नित्य पाठ करें, उत्तम रहने वाला है। कन्याओं को वस्त्र आदि भेंट करें तो ये बहुत ही उत्तम होगा। अब मेरे प्यारे मित्रों कुछ हम बात करेंगे आपके ऐसी चीज़ों पर जो कन्या राशि के लोगों के साथ होता है। कन्या राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं, इसलिए इस महीने आपको अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर आप नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आपका कोई भी दुरुपयोग कर लेगा। तो ये थी मार्च में आपके साथ क्या होगा कन्या राशि 2019 में, तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपका दोस्त मनीष आज्ञा चाहता हूँ आपसे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष के साथ। जय माता दी।